चुनाव चिन्ह काबा, चुनाव चिन्ह काबा छड़ी, भाजपा का हो जाए खटिया। छड़ी का मेला भी होता है, छड़ी का मेला होता है, तो बहुत सही जगह अगल भाई हम लोग। तो साथी पर्चा उर्चा भरवा दे, यहाँ अरविंद राजभर चुनाव लड़ेगा, ठीक ना? अभी नौजवान है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दौड़ने की औकात है और पढ़ा लिखा नौजवान है और अखिलेश जी का दहिनवार है, अखिलेश जी का दहिनवार है भैया। तो अरविंद राजभर चुनाव लड़ेगा और चुनाव चिन्ह छड़ी है और हम पर्चा भरने के बाद एक दिन ही जोरदार हो अब हो जा चपी चपा सही रही ना। हम चाहते लगे दिया पारी अखिलेश जी के लेके हेलीकॉप्टर से आवल जा मैदान कर तो हो नहीं रही ना, हो जा चपी चपा। तो इसी बात के साथ हम अपनी बारी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। में योगी जब मोदी जी का है जो ललका सार बा तोरे बजरियों में बा वो प्रचार करत हूँ कि देखा भुला के वोट बंदी है और ना ही तो गड़िये से तोरे लड़ जब तो उलाट दे चल जा ट्रामा सेंटर में। 70% मरीज योगी जी मोदी जी के ललका सार से लड़ के अस्पताल में हुए। तो हम कहले हई हम कुछ ना करब, अखिलेश जी से कहले हई जितना सार योगी मोदी कहा 3 दिना का छुट्टी मिली, एक ओरी से हकवा के ले चल कोई गोरखपुर पहुंचा दे, फिर घंटा बजावे और वो सब अपन हुकारी भर का दिक्कत बा, कौनो दिक्कत है? ही जो तो किसान बेचारा दिन भर काम करत हुआ, राति के धंडा लेके अपन फसल गोरत हुआ, आई लोग वोट मांगे आवत हुआ, यही बदे खदेड़ा शुरू बा। उधर विदाई हो गई पहला दूसरा चरण में, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ 113 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। साथियों आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 85 से 90 सीटें 2 चरण में जीत करके अखिलेश यादव जयंत ओम प्रकाश राज भरा रहे। भाई निजाम खान जी हमारे हाजी कादिर जोरदार ताली बजा करके इन साथियों का स्वागत करिए। और देखिए आज हमारे एक साथी हैं भामा साहब भारतीय जन पार्टी, इन्होंने बिना शर्त अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश राजभर को ताकत देने के लिए सुजीत गुप्ता दिए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। तो आप लोग बतावा देखा हमरे कनौजिया जी आ गल बम्बई से, ये जाना ला कि कपड़ा के धोवाला, कपड़ा के धोवाला कनौजिया जी भाजपा के यह धोइए। भाई हमारे 1000 वोट से जीतेंगे, 50,000 यही चपबा बटूर जाइए भाजपा। लोहता का नाम सुनता है कापा लगा ला सर, हिया काम चालू बा, ये नहीं चला ढाब में उधर यादव जी बलता लेके चपले हो, अब बीचवा में तहीं से ढाब से 2 इंची और इधर आवा तब पटेल जी मौर्या जी हमें देखा राम केवल गौर जी राकेश गौर जी हमन, इधर राजू मौर्या जी खड़ा हैं, इधर हमारे अभय पटेल जी हैं, उधर टीटी सिंह जी हैं, शशि सिंह यही हैं, हमारे तमाम नेता लगे हैं, इधर सुनील पटेल जी हैं, राजेश यादव जी हैं, नित्यानंद पांडे जी हैं, हमने पूरा भीतरा भीतरा बिल कर दिले है। समझे थे यार, हमारे का काम एकदम सही कर दिले है, भाजपा वाले के पता नहीं लगे क्या होता। ये बदे उत्तर प्रदेश के बदलाव के लिए, खुशहाली के लिए, यहाँ रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए
हम सबको मिल करके। देखिए यहाँ शिवपुर अजगरा दो सीट हम लड़ेंगे, शिवपुर अजगरा दो सीट हम, दो सीट अपना दल और शेष सीट समाजवादी पार्टी। तो यहाँ हम आने का चुनाव चिन्ह बा छड़ी, ये छड़ी कानून का डंडा बा, ठीक न। हम तो बहुत साफ साफ बात कहते हैं कि भैया देखा ही भाजपाई महंगाई लिया आयल हूँ कि हम लिया आयल है, भाजपा लिया आयल यही बदे इनके विदाई बदे एक लाइन बनौले है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। एकदम टाइट रहा इनकर तक काम हम कही दिले, भाजपा वालों का जो हवा रहा निकाल दिले, जुटा दौड़ सब के वोट दे नहने के, कोई वोट देवे के बा चले कौनो गांव में। अरे हम 27 अक्टूबर के कह दे वाली कि जौने दिन चुनाव का बिगुल बजी बंगाल में तक खेला होवे का नारा रहल, यूपी में खदेड़ा होवे बोला खदेड़ा होवे कि ना होवे अब शुरू हो गया ला। आपके गाजियाबाद नोएडा मेरठ मुरादाबाद उधर शुरू हो गया ला। जब मंत्री जी जात हुए ललकी गाड़ी से तो लोग पूछत हुआ कैसे वोटे बदे कहा निकल जा धीरे से, जब तरी से तेनुआत हुआ तो जनता डंडा निकाल लेते निकले। 3 साल से हम ललकारे थे, आवाज उस मुकाम पे पहुंचा दिया हूँ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक दे। हम तो एक दिन कहली आवा बलिया जब आना जब कोई भाजपाई बलिया एक कौ सीट न जीती है, चल चला बगलिया में मऊ है, आजमगढ़ अम्बेडकर नगर है, गाजीपुर है, खाता ना खुली देख लिया टिबिया पर जब 10 के आई खाता ना खुली नहने का। अब यही बनारस में आ गल है आज, आज पहला दिन है शुरुआत। अब ये पर्चा तो भर ले वद है तब गरमाई ही ही तो बोनसा में खाली रही। ए बदे कि हम लोग बहुत सोच समझ के काम फल्ले है, तब बोला हम लोग सही काम करते है कि गलत, कितना जने के सही है तई हाथ उठावा सही है ना। तो देखा आज वसीम अकरम जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, यहां बोलौले हुआ हम मैं तो सही कैले हुए कि गलत, जोरदार ताली बजा कर इनका स्वागत करा। भाई हैदर महदो साहब महतो साहब जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हाजी कमरुल हसन साहब जोरदार ताली, बेकार रुपया तो हम नाना मांगा था ही। नहीं मंत्री जी अपन सरकार बना के फ्री कद के रोकी तो हम तो चाहते सरकार बना लेवल जाए, अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बना के कह दे कि भाई जे 3 सवारी जा तो 3 सवारी फ्री कह दे बोला सही रही कि ना सही रही, कितना जने चाहत कि 3 सवारी फ्री हो जाए 3 सवारी फ्री चाहते। दूसर काम हम लोग का चाहते कि देखा यहाँ हमने का जोन थाना बा आपके यहाँ लोहता हो 1700 थाना बा, हम घूमत रही चारों तरफ, चाहे हम बांदा चित्रकूट हमीरपुर जालौन उरई झांसी बुंदेलखंड में घूमा, चाहे हम शामली मुजफ्फरनगर सहारनपुर बागपत अलीगढ़ आगरा बरेली मुरादाबाद मुजफ्फरनगर उधर भी घूम के देखा। थाने का हाल ही बा कि जब थाने पर अगर अहिर चल जात रहल है तत्ता कैसे अले है दरोगा जी का मानसिकता चल गए तत्ता कैसे आ गई ले, अगर मियां चल गए तो फिर खैरियत तो नहीं है बात बोला गलत तो ना बोला था ही। ये बात के हम अखिलेश जी से कहली भाई देखा बड़ी दुर्गति बा, थाने पर जाति चीन के गरियावत हुआ दरोगा, जाति चीन के मारत हुआ, जाति चीन के रुपया लेते हुए बोला लेते हुआ कि नहीं। समाजवादी पार्टी का सरकार रहल जब तब 500 रुपया में दरोगा जी सुन ले,
अब तो डायरेक्टर 25,000 मांगत है और उस जंग के वजह से जवन लड़ाई हम लखनऊ में शुरू कैली वो लड़ाई आपके घरे में पहुंचा देली। सब सोचत रहल कि भाजपा कैसे जाई, सब बहुत परेशान रहल और 3 साल पहले हम कह दे रही कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करूंगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। यही वजह से सबके घरे में भीतर कोई के स्मार्टफोन या बड़ी वाली मोबाइल जेकरे जेकरे घरे बा वहां तक हम पहुंची गए हैं। खाली गूगल बाबा से हमार नाव ले लेता देखा तमाशा, गूगलो बाबा परेशान हो जाते हूँ कि कौन नेता आ गल है यहाँ। हम लोग चाहत का है, बहुत लोग चिल्लात रहलन पहले चरण का दूसरे चरण का चुनाव 10 तारीख के पहले चरण का बा, आई बता देते लखनऊ चौथे चरण का चुनाव हुई। टांडा कई दिन में गया था लेकिन एक दिन बैठा था। यहाँ बुनकर की बड़ी समस्या है ना, ये समस्या पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जो समस्या भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है सरकार बनने के 1 महीने के अंदर। मैंने टांडा में कहा बुनकर भाई जो वो नेता है, हमने कहा टीम बना लो हमारे साथ चलो, अखिलेश जी के यहाँ बैठ करके इनका सारा कानून वापस कर दिया जाएगा, पूरा पुराना कानून बहाल किया जाएगा। सही रही कि न सही रही? ये बदे की भाजपा वाले सोचत रह कि हम तो आ गए 50 साल बदे, लेकिन इन्हें ना पता रहल कि हमरे संगे जो नेता आल बहुत खतरनाक बा। जौने दिन से आयल है एक थे कार्यक्रम खाली छोट कमऊ में कैली, पूरे देश में भूचाल आ गया। और आज जब हम कहीं खड़ा होते हैं तब पूरा देश सुनने के लिए परेशान होता कि याद देखा नेतवा का बोलल याद बा ना, यही जगह रहा और लोग डेरालन। भारतीय जनता पार्टी के डर से कोई का हिम्मत ना रहल कि कोई बादा जेल चल जा भैया की, कोई का हिम्मत बा, सब कांपत रहा। लेकिन ये राजभर गाड़ी उठाया पहुंच गया बादा, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आग लग गई कि कैसे गया। अरे गाड़ी से गल ली और कैसे गल ली, और जाकर के वहां 2 घंटा जेल में रहा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कम कि एकर संबंध हुआ कैसे है। हमके जैसे तोहार संबंध कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से है मोदी जी, वैसा ही ओम प्रकाश राजभर का संबंध मुख्तार अंसारी से है। गलत ना न कहते ही जब तोहा ऊपरी बाही धामत है, हम तो मिलते रहते हैं और साथ में लेके चलते हैं। परसों मैं था लखनऊ बैठ के हम लोगों की बातचीत हो रही थी और बातचीत के बाद साथी देखी साफ साफ बात बा, सरकार बनते ही जौने दिन मुख्यमंत्री अखिलेश जी शपथ ली हन वही दिन से 6 महीना के अंदर जातिवार जनगणना कराने का काम ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव करेंगे। 6 महीना दूध का दूध का पानी इतना हरकावत होने समय तो अखिलेश जी से कहली कि देखा 1700 थाना बा एक काम करल जा, सरकार बना के जो यहाँ नफरत की राजनीति हो रही है नफरत की राजनीति खत्म कर हम लोग भाईचारा है कि राजनीति शुरू किया जाए, इस काम को हम लोग करें। तैयार हो गए हम तो अब जाल जी बतौले रहना कि देखो भाई हमारे धर्म में इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा है बेकस बेपना लाचार कमजोर मजलूम की मदद करनी चाहिए। हम उनसे कह ली हमसे बड़ा मजलूम के बा यार, तो कहला चलो लड़ाई सही रहेगी। अब अखिलेश जी के संगे भैल ही, अब सबसे ज्यादा अगर कोई का पेट पीड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी का पीड़ा था।
फिरा था कि ना फिरा था? हम गए ललिए नहना के संगे भैया, कबो कबो कीचड़ साफ करे बदे कीचड़वे में ही लेके होला। जब गईली वहां तब भीतर जब कुल देख ले ली, तब कह लिया नहाने का दवाई कैसे हुई भाई? घरे में जब से जईबा न तब से जौने दिन शपथ लेंगे अखिलेश जी, वही दिन से 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। हम लोग तो बनारस में नहीं ही, इन्होंने लिया लिया के मीटर लगावला फ्री में, फ्री में लगावला। अब हम खुश हो गई कि फ्री का माल बा, अब फ्री में लगवा ले ली। जब लगवा ले ली फ्री में तो 1 महीना के बाद वो बिल भेजे यार, वह मीटरवा बिल भेजे लाग, कोई का 2,000, कोई का 1,500, कोई का 2,500। तो हम हूँ एक दिन अखिलेश यादव जी से कहली, गुजरात वाले आके यूपी में फ्री में मीटर लगौले हुए तो चला एक जुगाड़ बनावा, इन्हने का जो मीटर बा मीटर उखाड़ के गंगा जी में फेंक देवल जा। मिलिए नहीं आई, कहे उखाड़ा में पैसा लगी कुल बढ़िया से गड़ले हुए। हम कहते जुगाड़ हम बताओ थी वही सही कर ला। कहे कहा हमके 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेते फ्री कर दो, अपने मीटरवा फ्यूज हो जाए हो जाए कि ना हो जाए, अपने मीटर फ्री हो जाए। दूसर चीज ई बा, दूसर काम ई बा कि देखा हम लोग चाहत का भाई, मीडिया के लोग हूँ भाई, थोड़ा आप लोगों का भी सहयोग करा। हिया इहे ले जाइए तो तोरे टीविया में राज भर आई हैं ये लोग का सहयोग होए के चाहिए। हम तो संचालक महोदय मंच पे विराजमान समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, अपना दल जनवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी और हमारे मोर्चे में शामिल सभी। देखा भाई हम तो भाषण बहुत कम दे रहे, अच्छा जितना जने हुआ के हम चीने तो हाथ उठावा। आप इसके बैठे देखा ढेर जने चिन्हित है ना? हम लगा था कोई का घर ऐसा ना हो जेकरे घरे में हम ना हो। डीजी के यहाँ बैठा लाली तो एक लड़का फोन कैलस कि साहब हमार गाड़ी पकड़ा गई मोटरसाइकिल। हम कहली का भेल? का 3 सवारी जात रही पकड़ाई गई, चलान हो गया नेता। हम कहली बात कराओ दरोगा से, हम बोले बात कराया, हमके छोड़ दिया मर्दे कहा चलान करत है। खैर छोड़ दिए, हम पुलिस महानिदेशक से कहली अच्छा डीजी साहब ही बतावा, ट्रेन में एक डब्बा में 70 सीट होला, ट्रेन में एक डब्बा में 70 सीट होला और वो डब्बा में कम से कम 200 लोग जालन। बोला सही बात है गलत है? 200 लोग जालन, अहे जीपिया का तोरे 9 सवारी पास बा और मन 22 लोग जालन की ना जालन। तो जब 2 सवारी पर मोटरसाइकिल बनल बा तो 3 जात हो तो चलान कहे के हो तो